नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। शनिवार को एक निजी कंपनी का खराब हेलीकॉप्टर MI-17 से हवाई मार्ग से हवा में गिर गया और लीन चोली क्षेत्र में थारू बस कैंप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केदारनाथ मार्ग के तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी ये एक बड़ी दुर्घटना थी। हेलीकॉप्टर को केदारनाथ हेलीपैड के पास से हवाई मार्ग से ले जाया जा रहा था और मरम्मत के लिए गौचर हवाई पट्टी पर ले जाया जा रहा था, तभी सुबह करीब 7 बजे ये दुर्घटना हुई। अधिकारियों के अनुसार थारू शिविर में लोग थे, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग दोनों थे, लेकिन MI-17 पायलट की सतर्कता ने सुनिश्चित किया कि हेलीकॉप्टर ऐसे क्षेत्र में गिरा जो लोगों से कुछ ही दूरी पर था। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। MI-17 एक सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर को ले जा रहा था, लेकिन तेज हवाएं और मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव के कारण पायलट ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही MI-17 ने संतुलन खोया और दुर्घटना हुई।